शंकराचार्य जी ने कहा कि अभी सही मुहूर्त नहीं है भूमि पूजन के लिए, लेकिन बावजूद 5 अगस्त को किया जा रहा है। राकेश सिंह बीजेपी के सांसद हैं, वो ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस के जो सवाल है उनका समर्थन स्वामी जी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना? तुम्हारा हिस्ट्री किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ना किसी राजनीति के साथ। उनके लिए कांग्रेस बीजेपी सभी लोग बराबर हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु शिलान्यास शुभ मुहूर्त में होता है। हमारे यहाँ देवसैनी एकादशी के बाद देवता सो जाते हैं, तो उत्तरायण जब लगता है तब देवता उठते हैं, और दक्षिणायन में आप कर रहे हैं इसमें कर्ता का विनाश होता है, तो शिलान्यास करेगा। हम लोग प्रधानमंत्री की रक्षा चाहते हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी ठीक ठाक सब काम कर रहे हैं, मोदी जी की रक्षा हो, तो ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी का विनाश हो। कई लोग जो उनको आगे कर रहे हैं, तो कई उनकी लाइन में भी हैं, समझे नहीं। हम लोग चाहते हैं उनकी रक्षा हो। स्वामी जी ने कहा है कि वो 5 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे, यदि देखिए ऐसा है कि ये मूर्ति के अनुसार होता है, और अभी दक्षिणायन लगा हुआ है, दक्षिणायन में कोई शुभ काम नहीं होते। आप बताइए कि शादी विवाह है, आप ये तो घरेलू काम होते हैं, शादी होती है क्या? दक्षिणायन में तो शादी भी नहीं होती, कई ऐसे कार्य होते, ग्रह प्रवेश नहीं होता, शादी नहीं होती। तो शिलान्यास इतना बड़ा, जो हमारे राष्ट्र देवता भगवान राम हैं उनका शिलान्यास कैसे हो सकता है? ये गलत है, गलत तो गलत है। और राकेश भाई कोई गोष्ठी नहीं है, पंडित नहीं है, इसके क्या का नहीं है कि हम कहना चाहते वो राजनीति का अपनी राजनीति करें। ये धर्मगुरु धर्म की बात धर्मगुरु ही बताएंगे, धर्म की बात कोई राजनेता नहीं बताएगा, ये बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना संक्रमित आज पाए हैं, क्या कहेंगे? राजनीतिक कार्यक्रम बड़े कर रहे थे, जनता से अपील सामाजिक दूरी बनाने की थी, खुद नेता मंत्री बना नहीं रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज जी भी आज संक्रमित हो गए, क्या कहेंगे? भाई उसी का बात है, मुहूर्त का ही प्रकोप है। आप गलत मुहूर्त की बात करेंगे तो ये सब प्रकोप ही होता है। और इसमें अपूज्यायत्त पूज्यंते, पूज्य पूजा व्यतिक्रमा त्रीणी तत्व प्रबंधनते दुर्भिक्षम माणाम भयम, ये सब होता है। शुभ मुहूर्त में करने से अच्छा काम होता है, गलत मुहूर्त से करने से ये सब होता है, दुर्भिक्षम माणाम भयम ये सब होता है। इसलिए सावधानी से करना चाहिए, महामारी के टाइम में ये सब करना ये सब ठीक नहीं है। शुभ मुहूर्त में करना था, क्या फर्क पड़ता था? और 2-4 महीने रुक जाते तो दीपावली के बाद मुहूर्त हुआ था, उसमें करते, बात थोड़ी थी, मना थोड़ी कर रहे, गुरु जी मना नहीं कर रहे। गुरु जी ने तो बड़ा संघर्ष किया है राम जन्मभूमि के लिए, तो महाराज जी तो चाहते हैं हो, परंतु शुभ मुहूर्त में, गलत मुहूर्त में ना।